नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज सुबह एक बार फिर से अधिवक्ताओं ने डीएम पोर्टिको के ठीक सामने अपनी मांग को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ज्ञात हो कि विगत एक माह पूर्व अपनी मांग को लेकर धरने बैठे अधिवक्ता ने बताया कि एक माह पूर्व जब वो धरने पर बैठे थे तो जिलाधिकारी जी सुल्तान बना दिया था, रास्ते का विवाद जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन समय बीतने के बाद भी जब हाल ये नहीं निकला तो एक बार फिर से धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका धरना सीधे तौर पर जिला प्रशासन जिस कार्यप्रणाली के खिलाफ है। मैं वाराणसी कचहरी में कार्यरत हूँ, मेरा विधिक व्यवसाय है जी। किस प्रकार का आप लोगों का सत्याग्रह, क्या मांगे? सत्याग्रह हमारा, ये सत्याग्रह एक बीच में रोका गया था सरकार के द्वारा आश्वासन पाने के बाद। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप सरकारी बात मान लीजिए, अपना अनशन तोड़ दीजिए। तब माह महीने का प्रोग्राम लगा हुआ था 3 तारीख को, और 3 तारीख 3 नवम्बर को मैंने अपना अनशन इसलिए स्थगित किया कि आगे ये 3 दिन का लिखित आश्वासन मिला था मुझे। अब ये साहब 3 नवंबर हो गया, 3 दिसंबर बीत गया, आज 22 दिसंबर का समय आ गया। इनका निर्माण कार्य न रुक रहा है और न तो मेरे रास्ता ही दे रहे हैं। जब इनका निर्माण का पूरा बन जाएगा साहब, उस समय हमको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलेगा कि हम अपने घर जा सकें। यहाँ से इस बाबत आपका किसी से बातचीत हुआ? इस दौरान हमारे अध्यक्ष जी के साथ हम लोग जाकर के माननीय जिलाधिकारी जी मिले, हमारे पिछले पूर्व अध्यक्ष साथ मिल के फिर जिलाधिकारी से मिले, फिर हम लोग 2 बार जो है एडीएम जो है प्रशासन साहब से मिले, फिर सिटी जो यहाँ सिटी एडीएम सिटी साहब उनसे जाके मिले, एसडीएम साहब पर मैं 4 बार जाके मिला राज तलाव में, उनके द्वारा लिखित साइन किया हुआ कागज़ की और कीप ऑन फाइल लिख के उन्होंने रखा है। 17 तारीख डेट थी मेरे मुकदमे की, मैं वहाँ भी गया, मेरी फाइल ही अदालत में नहीं आई, फाइल ही लापता वहाँ से हो गई। यह प्रशासन वाले लापरवाही कर रहे हैं। अभी आपका क्या मांग है और ये धरना कब तक ये चलेगा? जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स ऑफ वे, ये बहाल किया जाए। मैं इजीमेंट में नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई, मेरी जमीन खुद की जमीन है, मेरी जमीन से मुझे रास्ता बहाल कर दिया जाए। 174 मेरी खरीदी हुई जमीन है।